नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल। दोस्तों, आप लोगों को लिए आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। वो है 80C की लिमिट अगर सरकार बढ़ा देती है। मान लीजिए 80C की लिमिट अगर सरकार बढ़ा देती है, अभी 1.5 लाख उसकी लिमिट है, 1.5 लाख से 2 लाख या 2.5 लाख लिमिट कर देती है, तो उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो आप लोगों मन में सवाल होगा क्यों नहीं लेंगे, हम तो बिल्कुल लेंगे। लेकिन मिडिल क्लास की फैमिली जो होते हैं, मिडिल क्लास का ग्रुप है हमारा, एक लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, यानी 5 से 6 लाख 7 लाख की जो इनकम है, अपटू 8 लाख रुपीज तक की जो इनकम वाले लोग हैं, वो लोगों की सेविंग्स ही नहीं बचती है कि वो लोग 80C में डालेंगे क्या पैसे। पैसे भी तो होने चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। 80C में आपको इन्वेस्टमेंट पे डिडक्शन मिलती है। आप LIC में, PF में, PPF में, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल में, ट्यूशन फीस में, म्यूचुअल फंड्स में आप डाल सकते हो पैसा। अभी शायद म्यूचुअल फंड निकल चुका है उसके अंदर लिस्ट से। तो ये सब चीजों में पैसा डालते हो तो आपको डिडक्शन मिलती है, वो इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन वो सेविंग, जब आप कुछ पैसा बचाओगे अपने इनकम के बाद, सारे खर्चों के बाद, महीने का जब कुछ पैसा बचेगा आपका, तो ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल तैयार किया है, वो एग्जाम्पल आप पहले देख लो, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर सरकार 80C की लिमिट 1.5 लाख से बढ़ाकर एग्जाम्पल के लिए मान ली 2 लाख या 2.5 लाख भी कर देती है, तो उससे आम आदमी को फायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके बताता हूँ। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है केवल। हो सकता है कि आप लोग इसमें कुछ गलती ढूंढें या कुछ कमी लगे, तो वो तुरंत आप कमेंट्स में बताइएगा। अगर सही होगी तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी करूँगा, क्योंकि ये एक एनालिसिस है जो मैं सोचता हूँ कि ऐसा अगर हो तो क्या होगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ में मैंने ये चीज़ अपने खुद के लिए भी देखी है, दूसरे के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है कि फैमिली साइज़ जो है वो 2+1, यानी हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड स्पाउस एंड किड, यानी उनके एक बच्चा है, वाइफ है और हस्बैंड, तीन लोग घर में रहते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है। सैलरी क्लास है व्यक्ति, क्योंकि मैं सैलरी क्लास या अप टू 5 लाख रुपीज इनकम वाला आदमी का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ बता देता हूँ। सरकार ने अभी बजट आया था, तो बजट में बोला था कि 93% लोग जो रिटर्न भरते हैं और डायरेक्ट टैक्स में पेमेंट करते हैं, उनकी आबादी जो 93% लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास, यानी करीब करीब 6, 6.5 लाख, 5 लाख की रेंज वाले लोग हैं। तभी उन्होंने जो रिबेट का, अभी आपने सुना होगा रिबेट आई थी 5 लाख रुपीज़ की, जो प्रपोज़ करी है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए सरकार ने, वो अप टू 5 लाख रुपीज़ तक की उन्होंने टैक्स को जीरो कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने उसी एक मिडिल क्लास के लिए एग्जांपल लिया है। मान लेते हैं एनुअल सैलरी 5 लाख रुपये है और उसकी मंथली सैलरी हाथ में जो आएगी वो, मतलब मंथली सैलरी ग्रॉस जो है वो 42,000 रुपीज़ है। एक मैंने छोटी सी एक महीने की सिर्फ सैलरी स्लिप भी बनाई है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे PF काटा गया है 1800 रुपये, 12% है जो PF का रेट, 15,000 के हिसाब से, 15,000 के ऊपर 12% का, और HRA मिला है 2400 रुपये का, और HRA आपको मिला होगा 16% के। मैं मान लेता हूँ मिडिल मेट्रो सिटी में, ना हायर बहुत ज़्यादा है, और मीडियम एक मेट्रो सिटी में रहते हैं, और अदर अलाउंस। तो उसकी टेक होम सैलरी जो आ रही है वो 40,200 रुपये आ रही है, 40,200 रुपये उसको हाथ में आता है। अब उसका मंथली खर्चा कितना होता है एक बार वो देख लेते हैं हम लोग। एक रेंट देता है एक फैमिली 8,500 रुपये का रेंट, बेसिक रेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फूड में 3500 रुपये, मेडिकल के नाम पे 1,000 रुपये, फिर मंथली एक्सपेंडिचर में बता रहा हूँ, अलग अलग टाइप का, वेजिटेबल्स 2,000, मिल्क 1,500, एजुकेशन के ऊपर 4,500 क्योंकि बच्चा भी है, और ट्रांसपोर्टेशन 4,000 रुपये का, इलेक्ट्रिसिटी का 1,500, मिसलिनियस 1,500, टोटल 28,000 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे, कोई व्यक्ति ये सोच रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत कम है, लेकिन ये अकॉर्डिंगली अगर आप एक शीट अपने लिए बनाएंगे, ऐसी एक्सेल शीट अगर आप अपने लिए बनाएंगे, तो आप अपने हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा खर्चा और आपको निकल आएगा। तो मंथली सेविंग मैंने कितनी कर ली, 40,200 माइनस 28,000, यानी 12,200 रुपये की मैंने अपनी सेविंग कर ली। अब ऊपर आ जाते हैं एनुअल सेविंग, मतलब 12,200 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी 12 महीने की सेविंग कितनी है मेरी, 1,46,400 रुपये मैंने बचा लिए। अब एग्जाम्पल के लिए LIC सभी लोग करते हैं, LIC जनरली 45,000 रुपये तक की LIC हो जाती है। अलग अलग LIC की स्कीम हम लोग ले लेते हैं, कम या ज़्यादा हो सकती है। LIC की मान लेते हैं 45,000 रुपये डाल दिए हैं। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में के नाम पे मैंने 12,000 रुपये डाल दिए, वो EPF है। यहाँ पे अगर आप जो देख रहे हैं ये EPF है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और ये है PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपने 1,000 रुपये मैंने PPF में डाल दिया। अब अपने ट्रैवल टूर के लिए, क्योंकि हमें मैंने ट्रैवल और टूर नहीं पकड़ा हुआ है, ट्रैवल और टूर मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं पकड़ा है क्योंकि वो एक साथ बल्क खर्चा होता है, मंथली मैं खर्चा उसको नहीं ले रहा हूँ। कहीं आप जाओगे अपने रिलेटिव्स के जाओगे, शादी वगैरह पड़ गई तो वहाँ जाओगे, ये ट्रैवल टूर का एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है एक अदर एक्सपेंडिचर में भी आ सकता है, कोई बड़ा मेडिकल का खर्चा आ गया या फिर किसी और टाइप का कोई खर्चा आ जाता है। मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है 12,000 रुपये की,
अब एटीसी में हमने कितना डाला, एटीसी में हमने डाला प्रोविडेंट फंड का 21,600, यानी यहाँ का जो 1800 मल्टीप्लाई बाई बारह आप यहाँ पर देख सकते हो, और एलआईसी का 45,000 रुपये, और एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड यानी सॉरी पीपीएफ का यहाँ पे आ रहा है, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है पीपीएफ, इसको मैं सही कर देता हूँ, पीपीएफ का यहाँ पे मैंने 12,000 रुपये डाला। तो टोटल मेरा एटीसी में केवल इन्वेस्टमेंट हो रहा है 78,600 रुपये। अब आप सोच रहे हो कि बच्चा अगर स्कूल जाता है तो ट्यूशन फीस भी आएगी, हाँ ट्यूशन फीस भी आप जोड़ लीजिए इसमें से 2,000 रुपये महीने के हिसाब से, तो 24,000 रुपये, मतलब मोटा मोटा 1,00,000 रुपये हो गया, लेकिन फिर भी इसमें 50,000 रुपये बच रहा है। अच्छा, मेडिक्लेम जो मैंने लिया है, मेडिक्लेम पॉलिसी जो मैंने ली है, वो 12,000 रुपये की 80D में मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे ओवरऑल अब मेरे हाथ में जो सेविंग्स बचती है इन सब खर्चों के बाद जो सेविंग बचती है वो 52,400 रुपये सिर्फ मेरे पास बचे हैं अभी के लिए। अब इसमें चाहो तो मैं सेविंग्स को मैं डाल दूँ इन्वेस्टमेंट के तौर पर, या अपने एक रिस्क एक इमरजेंसी फंड के लिए अपने पास रखूँ। अब डिपेंड, मैंने एक वीडियो बनाया था सेविंग वर्सेज इन्वेस्टमेंट का, तो वहाँ पे मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट जब ही हो पाएगी जब आप कुछ सेविंग्स करोगे, अपना पैसा हाथ में बचेगा। तो 78,600 रुपये है मेरे पास, अगर मैं इसमें ये रुपया जोड़ भी देता हूँ आपके लिए, चलिए कि ये पैसा मैं पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा, तो 1,31,000 ही होता है, यानी 1,50,000 से तब भी कम। तो 80C की लिमिट अगर सरकार बढ़ाती है तो उससे मिडिल क्लास को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, उन लोगों को बेनिफिट मिलता है जिनकी सैलरी बढ़ जाती है, जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है, पीएफ ज़्यादा होता है, होम लोन प्रिंसिपल ज़्यादा होता है, तो ऐसी चीज़ें जब ज़्यादा होती है तो उसकी लिमिट जब एक्सीड कर जाती है, यानी जिनकी सैलरी 15-20 लाख रुपये से ऊपर की है, उनका जो 80C का कोटा ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड या LIC से पूरा हो जाता है, उनके लिए खाली बेनिफिट है 80C की लिमिट अगर सरकार बढ़ा देगी। मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट तो है आपके पास, अभी भी लिमिट है इस व्यक्ति के पास, अभी भी लिमिट, अगर वो खींच कुछ कोशिश भी करेगा तो 1,31,000 तक पहुंच सकता है, 1,50,000 तक भी नहीं पहुंच पाएगा, उसे यहाँ पे खर्चे कम करने पड़ेंगे 1,50,000 पहुंचने के लिए। तो खर्चे कम करेगा तो फिर खाएगा क्या या रहेगा क्या, उसके नॉर्मल जीवन पे भी असर पड़ेगा। तो ये मैं आपसे बताना चाह रहा था कि सरकार का जो कदम है कि 5,00,000 रुपये जो उन्होंने रिबेट में दिया है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय 80C की लिमिट बढ़ाने से। 80C की लिमिट बढ़ाने से हो सकता है इन सेक्टर्स में LIC या प्रोविडेंट फंड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे 80C की लिमिट बढ़ जाना ही काफ़ी नहीं है, आपकी इनकम भी बढ़नी चाहिए तभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। क्योंकि अगर आपकी इनकम कम है तो लिमिट सरकार चाहे कितनी भी बढ़ा दे, 1,50,000, 2,00,000, 2.5 लाख, 3 लाख भी कर देगी, तो भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तभी आपने देखा होगा कि ये लिमिट जो है 1,00,000 से 1.5 लाख और 1,00,000 काफी साल तक 1,00,000 लिमिट रही हमेशा, मतलब बड़ी ही नहीं लिमिट। और 2014 के बाद 2013-14 के बाद जाके लिमिट जो बड़ी है 1,50,000 हुई है। रियल बेनिफिट मिलेगा हाई इनकम ग्रुप लोगों, हाई इनकम ग्रुप जिनकी 15 या 20 लाख रुपए की इनकम है, सैलरी है, उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा लिमिट बढ़ने से, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में 1,50,000 के ऊपर ही रहती है, 2,00,000, 2.5 लाख, 1,70,000, 1,80,000 ऑलरेडी उनकी लिमिट ज्यादा ही रहती है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही रहता है 1,50,000 से, तो उनको ही फायदा होगा ना कि नॉर्मल बंदे को। तो अभी मैं कहना चाहता हूँ कि जो रिबेट सरकार इस बजट में लेके आई थी फाइनेंशियल ईयर की, इस जो अभी लास्ट बजट हुआ है उसमें जो सरकार लेके आई है 5,00,000 रुपए की रिबेट, वो ज्यादा बेहतर है बजाय 1-1.5 लाख रुपए की लिमिट को इंक्रीज करने के। 1.5 लाख रुपए की इंक्रीज करने से अगर लिमिट में एक फायदा जरूर होता है कि जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है, लेकिन मिडिल क्लास जो है हमारा उसके उसके पास ज्यादा पैसा बचता ही नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट क्या कर पाएगा। तो आई होप ये वीडियो में मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ कि आपके लिए बेहतर चीज क्या है, एग्जम्पशन लिमिट बेहतर है, 80C की लिमिट बेहतर है, या फिर रिबेट बेहतर है, आप उसको डिसाइड कर पाएंगे। साथ में मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, अगर आप उसी तरह अपने खर्चों को अपनी इनकम को आप लिखेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि आपके पास कितना पैसा बच भी रहा है और कितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे और कितना कर सकते हो, आपको पूरी चीजें पता लग जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ जो इनकम है या जो लोग नया जिन्होंने जॉब शुरू किया है, और सब्सक्राइब कर लो प्रसून की पॉकेट को, मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलो, वीडियो हो गया हमारा आज का।